हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुप्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ धनिया को स्टोर करने का बेस्ट तरीका, जिससे धनिया 8 से 10 दिन तक ख़राब नहीं होगा। इसके लिए हमने लिया धनिया, इसका हम एक्स्ट्रा घास वगैरह साफ कर लेंगे, जो भी धूल मिट्टी उसको हटा देंगे। जो धनिया की पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं उसको भी हम हटा देंगे। तो हम धनिया को साफ कर लेते हैं। धनिया की जो पत्तियाँ सूख गई हैं उसको भी हम हटा कर अलग कर लेंगे, नहीं तो ये सारी पत्तियों को ख़राब कर देंगी। अगर आप इस तरीके से धनिया को स्टोर करके रखेंगे तो आपके धनिया 8 से 10 दिन तक ख़राब नहीं होगा। तो हम धनिया को अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। धनिया को अच्छे तरीके से साफ करके इसको हम 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे, जो इसका मिट्टी धूल है इसको निकल जाए। तो हमने धनिया को धो लिया है, अब इसको हम कट करेंगे। तो इसका जो डंठल वाला हिस्सा है इसको हम काट के अलग कर लेंगे। अब हम धनिया को कट करेंगे। हमने सारा धनिया को काट लिया है। अब हम एक कॉटन कपड़ा बिछाएंगे, इसमें हम धनिया को फैला देंगे और 1 से 1.5 घंटे तक पंखे के नीचे छोड़ देंगे, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दें जब पानी इसका सूख जाए, फिर इसको हटा दें। तो हम धनिया को अच्छे से तरीके से फैला लेंगे। 1 से 1.5 घंटे हो गए हैं, अपने धनिया को चेक कर लेते हैं। देखिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब इसको हम स्टोर करेंगे। अब हम लेंगे एक एयर टाइट कंटेनर, इसमें हम टिश्यू पेपर बिछा देंगे, जिससे धनिया में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर वो एब्जॉर्ब हो जाए और इसकी पत्तियां खराब ना हो। अब हम सारे धनिया को इसमें डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर भी टिश्यू पेपर लगा देंगे, जिससे धनिया का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए और धनिया की पत्तियां ख़राब ना हो। तो ये लीजिए, हमने एक टिश्यू पेपर इसके ऊपर और बिछा दिया है। इसको अच्छे से लग कवर कर दें। आपको यूज़ करना है इसको, इसमें से थोड़ा सा लिया, फिर इसको कवर कर देंगे और ढक्कन लगा के इसको फ्रीज में रख दें। ये 8 से 10 दिन तक ख़राब नहीं होगा।